आप रेजिडेंशियल एरिया में, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जो मिक्स लैंड यूज की सड़क है, हमारा मास्टर प्लान मिक्स लैंड यूज की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वॉयलेशन हो रहा है। तो हम इस वॉयलेशन के खिलाफ हैं। आज इस हाउस में हम ये वचन दे रहे हैं कि हम मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में, गली गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, नॉर्थसाइड कॉलोनी में रहते हैं, जो बेचारे जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम इसी के लिए हम चुनकर आए हैं और मैं आज इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं जो शराब के ठेके इन्होंने मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा, नहीं तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी ठीक कर लो। हमको तो चिंता केवल इतनी, आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, अनऑथराइज कॉलोनीज के बच्चों को, इन क्षेत्रों में नए नए गली गली में शराब के ठेके खोलकर बर्बाद मत करो। ये बर्बाद हो जाएंगे, पहले ही मां बाप दुखी है कि इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको शराबी मत बनाओ, इनको बचा लो। यही मैं दिल्लीवासियों की ओर से आपसे भीख मांगता हूं।